पुनीत पाठक बने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर। जानिए क्या क्या मिला उन्हें इनाम में। टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खतरों के खिलाड़ी ने सीजन 9 के विनर की घोषणा कर दी है। आदित्य नारायण को हराकर पुनीत पाठक ने खतरों के खिलाड़ी का खिताब जीता। विनर की ट्रॉफी के साथ साथ कोरियोग्राफर पुनीत पाठक को 20 लाख रुपए मिले और साथ ही एक कार भी इनाम के तौर पर दी गई। हम आपको बता दें कि पुनीत टॉप 3 फाइनलिस्ट में शामिल थे। उनका मुकाबला आदित्य नारायण और रिद्धिमा पंडित के साथ हुआ। रविवार को शो का फिनाले हुआ, जिसमें आदित्य और पुनीत के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ। इस सिंगर ने पुनीत को काफी कड़ी टक्कर दी, लेकिन पुनीत ने टास्क कम समय में खत्म कर दिया और खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम की। इस सीजन को जीतने पर पुनीत ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मुझे जीत सिर्फ मेहनत, फोकस और आत्मविश्वास के कारण मिली है। खतरों के खिलाड़ी 9 के फाइनल विनर के रूप में यह ट्रॉफी बहुत ही अच्छी लगती है। यह एक ऐसा शो है जो अपने कंटेस्टेंट को उनके डर का सामना करने और उनसे उबरने की हिम्मत देता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस फिनाले का हिस्सा अक्षय कुमार भी बने और उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ मिलकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। आदित्य नारायण शो के पहले रनर अप रहे। फिनाले में भारती ने भी हमेशा की तरह ही अपनी कॉमेडी से सबको हंसाया। हम आपको बता दें कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार फिल्म वीर सूर्यवंशी में साथ नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार इस शो के फिनाले में जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आए। वह आते हैं और खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने हाथ में लेते हैं। इस शो की बात करें तो शुरू से ही यह शो टीआरपी में नंबर 1 पोजीशन पर था। भारती की कॉमेडी से लेकर रोहित शेट्टी की फटकार तक हर चीज को ऑडियंस काफी पसंद करती रही है। पुनीत पाठक खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के अकेले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्हें सबसे कम फेयर फंदा मिला और रोहित शेट्टी ने भी पुनीत के इस आत्मविश्वास के लिए हमेशा उनकी सराहना की।